बेरोजगार नौजवान। एक बेरोजगार ग्रेजुएट लड़का एक सुबह जब सोकर उठा तो उसके जेब में सिर्फ $10 थे। वो उसकी आखिरी पूंजी थी। उसने उन पैसों से खाना खरीदने का विचार किया। वो उसके बाद मरने को भी तैयार था, पर भीख मांगने को तैयार नहीं था, क्योंकि नौकरी तो कोई दे ही नहीं रहा था उसको। वो भीख मांगकर अपने आत्मसम्मान को नीचे नहीं गिराना चाहता था। वो जानता था कि उस दिन खाना खाने के बाद अगले दिन से उसे भूखा ही रहना होगा। वो खाना खरीदकर सड़क के किनारे एक बंच पर बैठ गया। वो खाना शुरू करने ही वाला था कि एक बूढ़ा और दो छोटे छोटे बच्चे उसके सामने आकर खड़े हो गए। बूढ़े ने कहा, हमें कुछ खाने को दे दो, हमने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। उस बेरोजगार नौजवान ने उनको गौर से देखा। वो तीनों ही बहुत दुबले थे और उनकी तो हड्डियां भी मांस से बाहर आती दिख रही थी। उनकी आंखों में गहरी शून्यता थी और शायद आंसू भी सूख चुके थे। उस नौजवान के दिल में तब भी दया बाकी थी। उसने अपना वो अंतिम खाना भी उन लोगों को दे दिया। उस बूढ़े नौजवान ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम बहुत संपन्न हो जाओ और तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए। इतना कहकर उस बूढ़े ने उस नौजवान के हाथ में एक बहुत पुराना सिक्का रख दिया। उस नौजवान ने उस बूढ़े और बच्चों से कहा, प्रार्थना की और भगवान के आशीर्वाद की आप लोगों को मुझसे ज्यादा जरूरत है। उस नौजवान के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना। नौकरी तो उसके पास पहले से ही नहीं थी। वो भूखे पेट ही एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही वो सोने वाला था, उसने पेड़ के नीचे एक पुराना अखबार देखा। अचानक ही उसकी नजर उस अखबार में दिए गए एक विज्ञापन पर टिक गई। लिखा था, जिन लोगों के पास बहुत पुराने सिक्के हैं वो लोग नीचे दिए गए पते पर आकर संपर्क करें। उसको उस बूढ़े के द्वारा दिया हुआ वो पुराना सिक्का याद आया। उसने उस सिक्के को उस पते पर ले जाने का विचार किया। वो उस एड्रेस पर पहुंच गया और उसने उस जगह के मालिक को जेब से वो पुराना सिक्का निकालकर दिखाया। उस जगह का मालिक तो खुशी से चिल्ला ही उठा और उसने तुरंत ही एक बड़ी सी किताब खोली और उस बेरोजगार नौजवान को एक फोटो दिखाई। उस पुराने सिक्कों की फोटो थी वो, और उसके नीचे लिखा था, इस सिक्के का मूल्य $30,00,000 है। उस नौजवान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक घंटे के अंदर ही उस मालिक जगह के मालिक ने उस नौजवान को $30,00,000 का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाकर दे दिया। वो उस बैंक ड्राफ्ट को लेकर वापस उसी जगह पर गया जहां उसको वो बूढ़ा और दो बच्चे मिले थे। वो उनको इधर उधर खोजने लगा पर वो उसको नहीं मिले। उसने सड़क के किनारे के खाने के स्टॉल वाले से भी पूछा, क्या उसने उस बूढ़े और दो बच्चों को देखा था। उस स्टॉल के मालिक ने कहा, हाँ आए तो थे यहाँ पर वो जा चुके हैं और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं, पर वो आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। उस नौजवान ने जल्दी से चिट्ठी खोली। वो आशा कर रहा था कि उस चिट्ठी में उस बूढ़े का एड्रेस लिखा होगा और वो जाकर उससे उस एड्रेस पर मिल लेगा। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे पास जो भी पूंजी थी तुमने हमको दे दी थी और उसके बदले में हमने तुमको एक छोटा सा पुरस्कार दिया है। नीचे हस्ताक्षर की जगह देवी देवताओं के चित्र बने थे। मित्रों, दुखी और गरीब लोगों के प्रति हमेशा ही दया का भाव मन में होना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। फिर कोई नहीं जानता कि देवी देवता कब किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।